गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 5 लिंग के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, सबसे पहले आपको मैं यह बता दूँ कि आपको यह कार्यपत्रिका अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में बिल्कुल स्वच्छ व सुंदर लेख में पूर्ण करेंगे। बच्चों, आपको यह कार्यपत्रिका शुक्रवार को दी जाती है, आप इसे शनिवार को सबमिट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम अपना पाठ लिंग। लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग क्या होता है, लिंग की क्या परिभाषा है? तो लिंग, लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। ठीक है, तो जिससे हमें पुरुष या स्त्री के बारे में पता चलता है कि वह पुरुष है कि स्त्री है, ठीक है, उसकी जाति का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लड़का लड़की, तो लड़का हमारा किस जाति के अंतर्गत आता है, पुरुष, ठीक है, और लड़की हमारी किस जाति के अंतर्गत आती है, स्त्री। ठीक है बच्चों, तो बैल भी हमारा पुरुष में आता है और गाय हमारी आती है स्त्री जाति के अंतर्गत। तो हमें पता लग रहा है ना कि ये देखिए पिक्चर से ही आप देख के बता देंगे कि ये क्या है, लड़का है, ये कौन है, ये लड़की है, ये बैल है और ये गाय है। ठीक है, तो हमें इनमें भेद पता लग रहा है ना कि ये लड़का लड़की, इन दोनों में भेद। ठीक है, तो इनमें किसका भेद हो रहा है, लिंग का भेद हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए ऊपर दिए गए चित्रों में एक नर है और दूसरा मादा है। ठीक है, अतः हमें उनसे नर पुरुष जाति अथवा मादा स्त्री जाति का बोध हो रहा है। तो जो शब्द यह ज्ञान कराए कि वह नर है अथवा मादा, लिंग कहलाता है। ठीक है, तो हमें जो शब्द यह बताए कि वह नर है या मादा है, मतलब या पुरुष है या स्त्री है, तो वह क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। अब आगे देखिए लिंग के भेद, लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुलिंग, जिन शब्दों से पुरुष नर जाति का बोध होता है उन्हें पुलिंग कहते हैं। जैसे अब देखिए जो शब्द नर पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए राजा, अध्यापक, लड़का, बकरा, ये सब क्या हैं, नर हैं, ठीक है, पुलिंग हैं, समझ आ गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, पुलिंग के अंतर्गत। ठीक है, जैसे आपके घर में आपके पापा दादाजी, आप लड़के हो तो आप, ठीक है, आपके चाचा, वो सब क्या कहलाते हैं, पुलिंग, पुलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं, तो उसे हम पुलिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी किस जाति का बोध करा रहे हैं, नर जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये सभी क्या हैं, पुलिंग है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पुलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ शब्द होते हैं बच्चों, जैसे वो पुलिंग ही रहते हैं सदा, जैसे चीता, चीता हमेशा पुलिंग में ही आता है, कौवा, कौवा हमेशा पुलिंग में आता है, बगुला, उल्लू, तोता, ये कुछ अपवाद होते हैं नियम के। ठीक है, तो ये हमेशा पुलिंग ही होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हमारा दूसरा भेद कौन सा था, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, जिन शब्दों से स्त्री मादा जाति का बोध होता है। ठीक है, अब जिनसे हमें क्या पता है, स्त्री का या मादा का, कि वह औरत है, स्त्री है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पिक्चर देखिए, यहाँ पर आप पहले देखते ही पहचान जाएंगे कि ये स्त्री के अंतर्गत आ रही है, तो ये कौन है, रानी, ये अध्यापिका, ये लड़की, ये बकरी। ठीक है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इनको हम देखते ही पहचान लेते हैं, तो जो शब्द हमारे स्त्री और मादा के अंतर्गत आते हैं या उसकी जाति का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं।
तो ये सभी शब्द किसका बोध करा रहे हैं? स्त्री का बोध करा रहे हैं। अब इनमें भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, जैसे मछली। मछली का हम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। चील, चील भी स्त्रीलिंग में ही बोली जाती है। मक्खी, गिलहरी, बतख, ये सभी क्या आती हैं, स्त्रीलिंग के, स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं, ठीक है। इनका अगर आपको दिया जाए तो हम इनको परिवर्तन करके नहीं लिखते। मछली का हम मछली ही लिखेंगे, चील का हम चील लिखेंगे, मक्खी का हम मक्खी ही लिखते हैं, गिलहरी का हम गिलहरी लिखते हैं, बतख का हम बतख ही लिखते हैं। आपने कभी मछली का मछला सुना है? नहीं ना, ठीक है। चील का चीलिया नहीं, मक्खी का मक्खा नहीं। इनका क्या होता है, ये शब्द होते हैं जो वो एक जैसे ही रहते हैं चाहे, ठीक है। और ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ और देखिए, हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे बनते हैं, चूहा, चूहिया, बिलाव, बिल्ली, शेर, शेरनी, हाथी, हथिनी, कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, ठीक है। और जैसे ये हो गए घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, बैल, गाय, चींटा, चींटी। अब आप मान लो आप लड़के हो, ठीक है, आपकी एक बहन है वो लड़की है, तो आप किसके अंतर्गत आओगे बच्चों? आप पुल्लिंग के अंतर्गत आते हो, और जो आपकी बहन है वो किसके अंतर्गत आती है, किस जाति के अंतर्गत आती है? वह स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब जैसे आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, तो आपके जो पापा हैं वो किसके, किस जाति में आते हैं, पुल्लिंग जाति में, और आपकी मम्मी किस में आती है, स्त्रीलिंग में आती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिंग। और इसके आगे दो भेद होते हैं, तो जो शब्द क्या होता है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो ये था, ये हमारा पाठ था। अब आगे बच्चों, आगे देखिए बच्चों, ये इसकी कार्यपत्रिका है। यह कार्यपत्रिका आपने अपनी कॉपी पे बिल्कुल अच्छी और सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है, और बिल्कुल सफाई से अपना काम कीजिए, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इस कार्यपत्रिका को मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे लिंग, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। तो लिंग के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आगे जैसे बालिका, घोड़ी, शेरनी, मोरनी आदि, ये सब कौन आगे, स्त्रीलिंग में आगे, ठीक है। अब पुल्लिंग में कौन कौन आते हैं, जैसे बालक, घोड़ा, शेर, मोर आदि, ठीक है। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए बच्चों, ये आप अपने आप करेंगे, अपनी खुद समझ से करेंगे। अब जैसे है, आपने पुल्लिंग शब्द पहचान कर गोला लगाइए। अब इनमें से आपने पुल्लिंग शब्द पहचानना है, जैसे बिल्ली, मालिन, माँ, भाई। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, उदाहरण बता रही हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। तो इसमें से बिल्ली तो हमारा किस में आता है बच्चों, स्त्रीलिंग में, ठीक है। मालिन किस में आता है हमारा, स्त्रीलिंग में। माँ किस में आती है हमारी, स्त्रीलिंग में, ठीक है। और भाई किस में आता है हमारा, पुल्लिंग में। तो इसमें से हमारा पुल्लिंग कौन सा होगा, भाई। तो आपने भाई शब्द पर गोला लगाना है, ठीक है। तो ऐसी हथनी, शेर, मोरनी, बहन, ऊंट, घोड़ी, ऊंटनी, चूहिया, अब गुड़िया, बंदर, बकरी, शेरनी। तो आपने इन सब में से जो पुल्लिंग है उस पर क्या लगाना है, गोला लगाना है। अब आप एक शब्द में आंसर देंगे, लिंग की परिभाषा लिखेंगे आप, ठीक है, इसकी आप परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे लिंग दो प्रकार का होता है और उनके नाम लिखेंगे। अब बच्चों हमारी आगे की कार्यपत्रिका देखिए, अब है रंगीन शब्दों को लिखकर, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखे। तो आपने यहाँ पर आपको दिया है, इसमें रंगीन शब्द में क्या दिया है, लेखक किताब लिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, आपने रंगीन शब्द बदलना है, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। रंगीन शब्द, तो रंगीन शब्द में बच्चों हमारा क्या है, लेखक। हम लिखेंगे लेखक का क्या होता है बच्चों, लेखिका, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेखिका किताब लिख, आगे क्या लिखेंगे,
यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, रहा है, तो रहा है ने किसके लिए लगाया था, लेखक के लिए, लेकिन हम लेखिका के लिए क्या लगाएंगे, क्या है लेखिका, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए हमारा क्या बदल चेंज हो जाता है, रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ऐसे वाक्य को यहाँ पर भी इसको परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे तो लेखक था, तो लेखक के लिए रहा है लिखा था, लेकिन यहाँ पर कौन है, लेखिका, तो लेखिका किताब लिख रही है। जैसे आप बोल, ठीक है, जैसे लड़का गाना गाता है, अगर हम बोलें आपने लड़का लिखा, अगर हम उसको लड़की लिखेंगे तो लड़की गाना गाती है। तो आपने ऐसे इनको यहाँ से भी परिवर्तन करना है, ठीक है उसकी। तो हाथी गन्ना खा रहा है, शेर दहाड़ रहा है, रानी महल में बैठी है। तो आपने इसको ऐसे ही परिवर्तन करना है, ठीक है। आगे वाक्य को भी दोबारा लिखना है। अब आगे देखिए, चित्र देखकर उनके नाम लिखकर लिंग परिवर्तन करें। तो हमारा चित्र देखिए, मैंने आपको ये चित्र दिए हैं, तो ये चित्र किसका है बच्चों, एक बता देती हूँ मैं आपको, ये कौन है, रानी, ठीक है। तो रानी का क्या बनता है, लिंग परिवर्तन करेंगे हम तो राजा। तो आपने इसको ऐसे परिवर्तन करना है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी वर्कशीट थी, आप बिल्कुल अपनी कॉपी में इसे अच्छे और साफ राइटिंग में लिखेंगे। बाकी आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।